नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। किसी भी परिवार में दंपति के बीच विवाद अक्सर होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये विवाद बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे ही मामला हमारे सामने आया है, जहां पर थाना सीपरी बाजार के करारी इलाके में रहने वाली निवासी मनीष कुशवाहा पुत्र मुलायम ने पत्नी से विवाद के बाद घर में फांसी लगा ली। खबरों के मुताबिक मनीष का बड़ा बेटा आर्यन काफी देर से घर लौटा। इस पर मनीष ने आर्यन को फटकारा और उसकी पिटाई कर दी। इसको लेकर मनीष और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर आर्यन घर से बाहर चला गया। मनीष की पत्नी आर्यन को ढूंढने चली गई। इसी दौरान मनीष ने घर के अंदर फांसी लगा ली। मनीष की पत्नी जब वापस लौटी तो अपने पति को इस अवस्था में देखकर उसकी चीख निकल गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।